नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पहुंचे जेजेपी संरक्षक अजय सिंह चौटाला। सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार निर्मल सिंह मेलडी के कार्यालय का फतेहाबाद में किया शुभारंभ। बोले चौधरी देवीलाल की विचारधारा को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर किया कटाक्ष। कहा अपने वादों को पूरा नहीं किया बल्कि राष्ट्रवाद का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक के नाम पर जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि आज बाकी पार्टियों का जनाधार समाप्त हो चुका है। अशोक तंवर के नामांकन के समय सिर्फ उनका परिवार ही नजर आया, इससे ये साबित होता है कि अशोक तंवर अकेले रह गए हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल को रोकवाने को लेकर के पूछे गए एक सवाल पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर यही बात ओम प्रकाश चौटाला उन पर उठा दें तो वह जिंदगी भर मुँह नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा सिर्फ बयानबाजी और करवाई जा रही है। हालांकि बयानबाजी तो उनके माँ बाप से भी करवा दी गई, लेकिन जनता सब जानती है। वहीं पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा पीएम मोदी जनता का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। भाजपा के द्वारा जो वादे करके जनता की ओर से सत्ता हथियाई गई थी, न तो उन वादों को पूरा किया गया है और न ही कुछ नया हुआ, और यही कारण है कि एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, पार्टी के प्रत्याशियों की विधिवत रूप से घोषणा है, चुनाव का संचालन शुरू हो जाएगा। इसी पर्पज के लिए कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए आए हैं। पब्लिक का जिस तरीके से रिस्पॉन्स तो निरंतर कहते हैं ना कि जन शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, यही हमें चौधरी देवीलाल जी नारा दे के गए थे और उसका उदाहरण आपके सामने है। कल मैं नॉमिनेशन फाइल करवाने गया था पुत्र का, तब मैंने देखा था मेरे से पहले कांग्रेस का प्रधान स्टेट का अशोक वो नॉमिनेशन फाइल करने गया हुआ, उसके साथ वो उसके दो बेटे, एक उसकी अपनी पत्नी और एक वेरका जी उनके रिश्तेदार पंजाब से मंत्री, मतलब कोई भी कांग्रेस का एक भी कोई कार्यकर्ता जिसको हम जानते हो नॉन पर्सन। आरोप लग रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल रुकवाने में आपका और दिल्ली की सरकार का बीच में हाथ है। मैंने आज बयान दिया है, आपने पढ़ा भी होगा, ये बयान चौटाला जी साहब दे दें मैं आपको दोबारा सकर ही दिखाऊंगा। अब चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंट थे जो पहले पार्टी में थे, वो घुसपैठिए थे, अभी निगरानी रख रहे थे पार्टी की, अब वो छोड़ के चले गए। बयान देने वाले पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, बयान तो उनसे मेरी 80 साल की बुढ़ी माँ से दिलवा दिया, मेरे 85 साल के बुढ़े बाप से भी दिलवा दिया। बयान दिलवाना एक अलग चीज़ है, वो हार्दिक भावनाओं से उस बात को कह दें मैं मान लूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हुई, आज का जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो राष्ट्रवाद उसके खिलाफ लड़ा है, क्या आप मानते हैं कि आप मुझे राष्ट्रवाद की डेफिनेशन समझा, मैं मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री लगातार जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदुवाद एक चौथे स्तंभ के आदमी हो, आप राष्ट्रवाद की मुझे परिभाषा समझा दो। राष्ट्रद्रोही है क्या ये सामने आपके बैठे हो, ने कौन सा राष्ट्रद्रोह किया है बताओ तो सही। आप उन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे वो अपने वो चीज लेके आए, नई बातें क्यों, पुरानी बातों पे कन्विंस करें लोगों को भी। हमने ये आपसे कहा था ये हमने कर दिया, कहा था गरीब आदमी को 15 लाख रुपए काला धन ले के आएंगे आपके खाते में जमा कराएंगे, कराए पंजी आई थारे खाते में,
नौजवानों को कहा था रोजगार दूंगा 2 करोड़ सालाना, कितने छोरे छोरी नौकरी जाके सारे। बात की थी किसान को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, वही लागू, आमदन बड़ी कोई। बात की थी महिला को मान सम्मान दूंगा, उसकी सुरक्षा दूंगा, उसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की गई थी, कोई हुई? बात की गई थी व्यापारी को कर्मचारी को, बातें तो बातें करने से थोड़ा ही होता है, धरातल पे काम करने से होता है। भाजपा नेता लगातार जो अपनी स्पीच दे रहे हैं उनमें एयर स्ट्राइक का, फौज का और जो ये पुलवामा अटैक का, इसका जिक्र कर रहे हैं लगातार। बात तो रही नहीं, राम मंदिर खत्म हो गया, अब कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धारा 370 की करते हैं, कोई 35-34 एक ही करते हैं। तुम बता दो मुझे तो, समझा दो आप 370 क्या है और 35-34 क्या है, वही कह रहा हूँ, तुम समझा दो, मैं समझ जाऊंगा, मैं मान लूंगा। सरेंडर लड्डू प्रोजेक्ट, हाँ लड्डू बांटो फिर आके ले।